गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा ए गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा एक की हिंदी पाठ सात मैं भी पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस अध्याय में आप लोगों को बताया गया है कि किसी की नकल, हमको किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें अपना काम समझदारी से करना चाहिए। नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं, व्याकरण बोध है कि नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। एक तालाब था, इस कहानी में बताया गया है कि एक तालाब था, उसके किनारे पर बहुत से जानवर रहते थे। तालाब के किनारे बहुत सारे जानवर रहते थे, खरगोश, हिरन, कछुआ, कौवा, बत्तख, मुर्गी और बहुत दूसरे भी। बत्तख और मुर्गी में गहरी दोस्ती थी, बत्तख और मुर्गी में बहुत ही दोस्ती थी। दोनों ने अपने अपने घोंसलों में अंडे दिए, उन्होंने अंडों की देखभाल की। कुछ दिनों बाद मुर्गी के अंडे से एक चूजा निकला, मुर्गी के अंडे से एक चूजा निकला और बत्तख के अंडे से बत्तख का बच्चा। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे, उनके माता पिता उनका ध्यान रखते थे, पर कभी कभी वे माता पिता से दूर चले जाते थे। दोनों बच्चे अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे और वो आपस में खेलते रहते थे, कभी कभी उनके माता पिता जो है दूर चले जाते थे। बत्तख का बच्चा समझदार था, चूजा नकलची था। एक बार बत्तख का बच्चा बोला, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो चूजा बोला, मैं भी चलूँगा। दोनों घूमने चल दिए। थोड़ा आगे जाकर बत्तख का बच्चा गड्ढा खोदने लगा, तो वह बोला, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। चूजा बोला, मैं भी खोदूंगा, और वह गड्ढा खोदने लगा। मुझे एक केचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला, मुझे भी, चूजा बोला। दोनों आगे चले, बत्तख के बच्चे ने एक तितली पकड़ी, वह बोला, मैंने एक तितली पकड़ी। चूजा बोला, मैंने भी एक तितली पकड़ी। आगे उन्हें एक तालाब मिला, बत्तख का बच्चा बोला, मैं तैरना चाहता हूँ, और वह तालाब में कूद गया। चूजा बोला, मैं भी, और वह भी कूद गया। बत्तख का बच्चा तो तैरना जानता था, पर चूजा नहीं तैरना जानता था। वह डूबने लगा, बत्तख के बच्चे ने बड़ी ही मुश्किल से उसे बचाया। चूजा का बच्चा जो तैरना नहीं जानता था, इसलिए वह डूबने लगा और बत्तख के बच्चे ने उसे बहुत ही मुश्किल से बचाया। इसीलिए बताया गया है बच्चों की किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। गुब्बारे, मतलब बच्चों आप लोग गुब्बारे को बहुत मन से खेलते हैं, तो रंग बिरंगे प्यारे प्यारे ले लो ये रंगीन गुब्बारे। रंग बिरंगे प्यारे प्यारे ले लो ये रंगीन गुब्बारे, लाल हरे और पीले ले लो, नीले और चमकीले ले लो। गोल गोल हैं, मोटे मोटे, लंबे लंबे, छोटे छोटे, सुंदर सस्ते गुब्बारे ले लो। इन्हें उछालो, इनसे खेलो, अगर ध्यान से न पकड़ा तो गुब्बारे फट जाएंगे, अगर पकड़ ढीली होगी तो गुब्बारे उड़ जाएंगे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों, इस कविता को। थैंक यू।